हाल ये हो गया है कि देखिए इस वक्त बाजारों में पैर रखने की बिल्कुल जगह आपको नहीं मिलेगी। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा रौनक आपको ज्वेलरी और बर्तनों की दुकानों पर दिखाई देगी, जहां धनतेरस के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कल धनतेरस का मौका है, धनतेरस का त्यौहार है। इस पर्व को मनाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ऐसे में आज बात धनतेरस पर बन रहे शुभ संयोग की भी कर लेंगे। जानेंगे कि क्या है धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त और क्या है धनतेरस के त्यौहार का वो संदेश जिसे आत्मसात करना बहुत लाजमी है। चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान तो हमारे साथ होंगे ही, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट जरूर आपको दिखा देते हैं। समझ लीजिए जीवन के शुभ दिनों का सबसे शुभ मुहूर्त आ चुका है। इस मुहूर्त में उम्मीदों का उजियारा भी है और संपन्नता का आशीर्वाद भी। एक तरह से कहें तो ये समय माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर से वरदान पाने का भी है और भगवान धन्वंतरी से मांगी आरोग्य की कामना के पूर्ण होने का भी है। यही वजह है कि धनतेरस पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कहते हैं धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना वरदान बनकर बरसती है। इन दिनों बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने से जीवन का समृद्धि द्वार खुल जाता है। देखिए धनतेरस के पर्व पर जो सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है वो ये है कि शनि अपनी ही राशि में विद्यमान है, वो भी मार्गी होकर के कुछ दिनों पहले तक वक्री स्थिति में मौजूद थे। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति एक प्रबल धन योग भी बना रही है और चंद्रमा शुक्र की स्थिति की वजह से धनतेरस पर इस बार प्रबल धन योग की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये दिन भगवान कुबेर का भी है। भगवान कुबेर को धन और आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला देवता माना गया है। यही वजह है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बेहद फलदायी होती है। धनतेरस पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। एक प्रश्न लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या धनतेरस पर खरीदारी का कोई खास शुभ मुहूर्त है। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। वैसे तो दोपहर 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी करें, कभी भी पूजा करें, लेकिन शाम को जो 5:46 से लेके 7:42 तक का समय है, इस समय में अगर आप पूजन करें या इस समय में अगर आप खरीदारी करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा शुभ होंगे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। धन्वंतरी देव की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद के प्रणेता और वैद्य के रूप में पूजा जाता है। हिंदू मान्यता में रचे बसे त्योहारों में हजारों संदेश होते हैं। धनतेरस भी हमारी परंपरा का ऐसा ही पर्व है। ये पर्व दीपोत्सव से ठीक पहले आता है, हमें समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देता है, साथ ही हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है और फिर हमें ऐसी ऊर्जा से भर देता है जो साल भर हम में ऊर्जा का संचार करती है। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामनाओं के दीपक जिससे माँ लक्ष्मी पधारे आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।